आप लोग जैसा जान रहे हैं कि परसों उत्तराखंड एपीओ का रिजल्ट आया, उसमें और उसमें पीपी त्रिपाठी से तो आप लोग परिचित हैं, आप लोगों को लोकल एक्ट भी यही पढ़ाए थे, इनका उत्तराखंड एपीओ में सेकंड रैंक है। आप नरेंद्र मिश्रा जी हैं, लंबे संघर्ष के बाद आप भी उत्तराखंड एपीओ में आठवीं रैंक को प्राप्त किए हैं। और देखिए 2001 में कोचिंग को एस्टैब्लिश किया मैंने, और 2007 में सत्येंद्र कुमार मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश में एपीओ में साथ किए। 2007 के बाद 2009 में नरेंद्र कुमार उपाध्याय, जिनकी मैहर में पोस्टिंग इस समय है, उनकी एमपी में पूरे सेकंड रैंक आई। 2011 में राम प्रकाश यादव ओबीसी वर्ग में टॉप किए थे। 2015 में पिंकू कुमार का फोटो अक्सर देखते हैं आप, पिंकू जी ने 2015 में एपीओ टॉप किया। फिर 2019 में आगे चल करके एचडीएस में उनका सिलेक्शन हुआ और शाहजहांपुर में उनकी पोस्टिंग है। इससे पहले ठीक जो एग्जाम हुआ था उसमें केवल 17 पद था, उसमें विजेंद्र जो बिजनौर के रहने वाले थे, प्रिया श्रीवास्तव जो झांसी की रहने वाली थी, ममता जो सहारनपुर की थी, इन तीन लोगों का कोचिंग से चयन हुआ था। और अब उस परंपरा को पूरी तरीके से पीपी त्रिपाठी जी और नरेंद्र मिश्रा जी ने इसको कायम रखा है, और हमारी तरफ से, कोचिंग की तरफ से इस सफलता पर इन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और सफलता के पीछे बहुत लंबा इतिहास इन लोगों का है, और उस इतिहास को हम चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में शेयर करें। और इतना ही है कि जो ईमानदारी से मेहनत करता है, पढ़ता रहता है, पेशेंस रखता है, तो इलाहाबाद की धरती किसी बच्चे को खाली हाथ चल नहीं देती है, निश्चित रूप से सिलेक्शन होता है, जिसका दोनों लोग यहाँ पर उदाहरण है। तो अब मैं चाहूंगा कि अब आप लोगों के बीच में अपने अनुभव को नरेंद्र जी और पीपी त्रिपाठी जी शेयर करेंगे। चलिए ये अपनी सेकंड रैंक चले आप। नरेंद्र जी फूल लगवा दीजिएगा, बट यहीं पर आइए, हम जा रहे हैं जी। आप लोगों से परिचय है, कुछ लोग सुनी है। मेरा पूरा नाम प्रणव त्रिपाठी है, जैसा आप लोग जानते हैं, और इस संस्थान में मैं जुलाई 6 2006 को एडमिशन लिया था, तभी संस्थान एनिमेशन पास चलता था। ठीक, लगभग एक साल मैंने यहाँ स्टडी की। मेरा ये होम टाउन है इलाहाबाद, मेरी स्कूली केजी से लेकर यहाँ इलाहाबाद में एलएलएम तक पूरी तरीके से मैं लोकल ही हूँ। गाँव में भी यही फाफा वगैरह मेरा पैतृक आवास है। अब बहुत कम लोग होते हैं जो लोग, हम तो हमारे साथ तैयारी करने वाले हैं, कहते हैं आप कभी देखे नहीं कि जो लोकल वाले तैयारी करते हैं, बाहर वाले ही आते हैं वहाँ तैयारी करने। लोकल वाले किराया तो उसके बाद फिर हम लोगों का ये है, मेरा शुरू से ही प्री कभी रुका होता था, हमेशा अच्छी रैंक रहती थी, नंबर भी रहते थे, मतलब कट ऑफ से हमेशा मैं 30-40 नंबर ऊपर ही रहता था, और मेरा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, एकेडमी भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन सफर बहुत लंबा हो गया एकेडमी होने के बावजूद। और 2006 में मैंने जैसे आप लोग जे वगैरह के पहले प्री दिया था, तो उस समय एक अशोक लाल थे हमारे सीनियर, जो छत्तीसगढ़ उस समय डीजी है, तो मैं जब एडमिशन लिया था तो उस समय के बहुत अच्छे स्टूडेंट माने जाते थे, तो हम एडमिशन प्री देकर आए, वो भी देकर आए, तो सर उनका बुकलेट वगैरह चेक किया है, तो
तो वहाँ पर तुम टॉप थ्री अगर नाम दिया जाएगा तुम्हारा रहेगा। तो सर कहें कैसे तैयारी सर सर करते हैं, हमारा तो कभी सर ऐसे कहें तो क्या बात है। तो एक बार सर ऐसे कह दिया, उन्होंने कहा सर उस दिन अशोक लाल की बात मुझे याद थी, सोचा था कभी आप हमारे लिए ऐसे कहेंगे, आज आपने पूरा कर दिया। और उसके बाद फिर लगभग ये मेरा 12वां इंटरव्यू है, ये मेरा 12वां इंटरव्यू है। मैं केवल राजस्थान कमीशन को नहीं चेक किया क्योंकि वहाँ फॉर्म नहीं डालता, नहीं तो छत्तीसगढ़ MP, झारखंड, बिहार, UP, हरियाणा, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में जब से गया कभी फ्री नहीं होता। और मैं 2009-16 ये सब इंटरव्यू तीसरा है वहाँ तो एक ही हो, हम लोगों दोनों लोगों ने साथ साथ अपनी फाइनली अभी सेलेक्ट हुए हैं। कई बार मेरा 2-3 नंबर सेलेक्ट हो चुका है, 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। UPSC भी मैं 2 बार दिया हूँ इंटरव्यू, 2-2 सीट पर, ED का, सिटिंग रजिस्ट्रार का। तो साथ वाले जो मेरे कम स्कोर रहते थे वो निकलते गए, हम बस रुके। लेकिन कभी कोई साथ हमारा जो है सिलेक्ट हो जाता कभी नर्वस नहीं होते थे, दूसरे दिन हम वैसे रहते जैसे हम ही सेलेक्ट हों। मतलब जो सिलेक्ट होता रहता है वो हमको देखता था, कहता था कि हम तुमको देखकर लगता तुम हमसे ज्यादा खुश हो, तो कोई मायने नहीं रखता, मैं कभी नर्वस नहीं होता, बहुत आराम है निजी जीवन की। और मैं चाहता प्रैक्टिस ही करता, मेरे पास बहुत चांसेस थे। मेरे फादर हाई कोर्ट में थे, यहाँ के सीनियर बहुत जो डिजिग्नेटेड सीनियर हैं, अच्छे एडवोकेट्स हैं, सबके साथ कॉन्टेक्ट हैं। लेकिन मेरे जो पड़ोस में थे दो लोग, जब मैं LLB के बाद मैंने MA में एडमिशन, तो क्या हुआ उसी साल वो लोग दोनों लोग जो है सिविल जज हो गए। तो मुझसे कहें कि देखो हम लोग तो डफर स्टूडेंट थे जो सिविल जज बन गए, तुम तो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हो, तुम भी जो है LLB ज्वाइन कर लो। तो आए यहाँ हिना बुक शॉप पर, फॉर्म पहले मिलता था, फॉर्म लिए, हमारा भरा दिए, लास्ट डे था। तो मैं मुझे MA से जो है पोलिटिकल साइंस से शिफ्ट करा दिया गया लॉ फैकल्टी में, फिर लॉ ऐसे ही मैंने लॉ हो गया, फिर लॉ के बाद फिर लॉ फील्ड में LLB कैसे। और फिर धीरे धीरे बस ऐसे ही होता रहा, सर्किल लगातार कांटेक्ट में रहे। ये था मेरी फ्रेंड सर्किल अच्छी थी, मेरे जो सीनियर थे वो भी अच्छे थे और फ्रेंड भी अच्छे थे। बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्किल नहीं थी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्किल नहीं थी तो आप टाइम नहीं दे सकते, और फिर उसमें बहुत लोग निगेटिव भी रहते थे जिससे मिलने में बड़ा ख़राब होता था। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन में जो लगा बहुत निगेटिव बातें करता है, बहुत ज़्यादा पांच करता है, रिसर्च करता है, उसको मैं सारी टाइम फिर उससे नहीं मिलता था, मिल गया सड़क का रोड का दोस्त रहता था बस। और जो जिनसे मेरी इंटीमेसी रहती थी बस उन्हीं से मिलते थे अपना, फिर बस ऐसे ही हो गया। सब मेरा रेगुलर टच रहता था, हम लोग अंतर राइटिंग करते थे। ये मेरे मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन इनकी दुनिया हमारी दुनिया में था। 2015 तक इनका अपना अलग आकाश गंगा थी, मेरी अलग मोहल्ला एक था, लेकिन इनके आपका सर्किल लड़के अलग रहते थे, मेरे अलग थे। तो इनके सर्किल के साथ सेलेक्ट हो गए, मेरे सर्किल के साथ सेलेक्ट हो गए, फिर इन्होंने मेरा मोहल्ला छोड़ दिया चले गए टेलीगढ़। तो फिर उसके बाद जब हम लोग अलग अलग रहने लगे तो हुआ कि अब हम लोग, इन्होंने कहा ऐसा करते हैं आपके साथ जितने लोग थे आपने सबको लॉन्च कर दिया, मेरे साथ जितने थे सबको मैंने लॉन्च कर लिया, अब हम लोग साथ साथ रहेंगे, हम एक दूसरे को लॉन्च करेंगे। तो देखिए ये तो ऐसे मजाक में कह रहे थे, अब हुआ सच। फिर उसके बाद हम लोग जहाँ जहाँ जाते थे हम लोग इंटरव्यू साथ देते थे, तो लोग ये कहने लगे कि आप लोग डायरेक्ट इंटरव्यू देते हो क्या। इनके कई फ्रेंड तो उससे यही कहते थे क्यों तुम दोनों जहाँ जाते हो फोटो सब साथ ही रहती, सब डायरेक्ट देते। इस बार भी ऐसे रहा, जब उत्तराखंड गए हम लोग साथ में तो बस ही हम लोग ऐसे हरिद्वार हर की पैड़ी बैठे थे कि बस माँ गंगा यही बसाओ। एक तो मुझे उत्तराखंड बड़ा फेवरेट लगता है, बड़ा अच्छा है, मतलब मेरा होम स्टेट भले ही है, होम डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मुझे वहाँ जाने बड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ जो मेरे मजिस्ट्रेट वगैरह मित्र हैं उनसे कहता था यही बुलाओ यहाँ, यही। तो उत्तराखंड में जब एग्जाम रहता था तो सीट एक दो भले रहे लेकिन मैं उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करता था और हमेशा दिया, कई बार छोटे छोटे नंबरों से थोड़े थोड़े नंबरों से। फिर इस बार जो है माँ गंगा ने सुन लिया, हम लोगों ने उत्तराखंड का एक सीट एडजस्ट कर दिया है, एक सीट पर मैं टॉपर भी रहा हूँ,
लेकिन फाइनली वहाँ जो मेंस का होता है ईच पेपर क्वालिफाइंग, उसमें हम लोग फंस गए कि नहीं, कम नंबर वाले वहाँ पर सिलेक्ट हैं लेकिन ज्यादा नंबर वाले वहाँ। अब और आप बताने तो बहुत कुछ है, अब आप लोग जो पूछना हो पूछ लीजिए, लेकिन एक चीज है, आप लोग नर्वस मत हो, जो लगा रहता है उसी को मिलता है, छोड़ दिया तो छूट गया, फिर नहीं। और जो पूछना हो पूछ सकते हैं, क्योंकि इतनी लंबा इतिहास है ना कि बताने के लिए बहुत कुछ है और याद भी नहीं। वो तो जब पूछेंगे तब बताएंगे, कोई ना कोई और हमसे ज्यादा बेहतर था आपको यही बताएंगे। आइए जी, देखिए एक चीज बता दूं, प्रोफेशनल लाइफ के पहले जो दोस्ती बनती है वही आगे चलती है, बाकी तो आप जब ज्वाइन कर लेते हैं तो सब आप बहुत प्रोफेशनल होते हैं, आप काम के हो, आप इतने देर तक काम के, बस उतने इतने देर कॉन्टेक्ट रहता है। लेकिन जो एकेडमिक के दौरान दोस्ती होती है या मित्रता कॉन्टेक्ट रहता है, वो जब आप प्रोफेशनल लाइफ होते हैं आउट ऑफ वे जाकर आप लोग की लोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे जजेज हों, जो अपने कॉलेज के बने रहते हैं उन्हीं लोगों के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ओनर ये सब ऐसे बनाते हैं, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे का लिंक कर लेता है। तो फ्रेंडशिप रहे ठीक है, लेकिन फेयर रहे, चाहे कम ही लोगों के साथ रहे, और गाइडेंस आप अपने सीनियर्स लीजिए जो आपको कुछ सिखा सके, वही बुक्स अच्छी है जिस जो आपको समझ में आए, और वही जो है सीनियर अच्छे हैं जो आपको कुछ आपको इम्प्रूवमेंट कर करेक्शन कर सके। कोई बहुत बुद्धिमान हो बहुत अच्छा हो, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा उसकी दिखाई चीजें तो कोई मतलब नहीं, आपके काम तो नहीं है। बाकी आप मिश्रा जी से हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग की जर्नी इतनी लंबी ना हो, छोटी रहे, छोटा रास्ता सही रहता, छोटी ट्रिप रहे, बस हो जाए, सबके लिए यही हैं कि जल्दी सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि समय के साथ दबाव बढ़ता रहता है, खुद का सोसाइटी अलग है, फैमिली अलग है, खुद के एम्बिशन हावी हो जाते हैं और डाइवर्जन बहुत आता है दिमाग में। मेरा फ्री नहीं निकलता था इनकी तरफ, ये तो शुरू से ही फ्री निकाल लेते थे, मेरा शुरू में फ्री नहीं निकलता था, मैं बुकलेट मिलती थी पहले, उसका आंसर बदल के आता था दोस्तों को दिखाने के लिए सही करके कि मेरा एक ही दो नंबर से नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ ही दिन रहा, दोस्त होते रहते थे तो लगता था कि पढ़ना चाहिए, शुरू से नहीं आ रहा तो उतनी पढ़ता था जितनी आवश्यकता रहती थी, तो फ्री निकलने लगा, फिर मेंस के लिए पढ़ाई की, तो अब मैंने कैसे पढ़ाई की वो बिल्कुल इररिलेवेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि सब लोग अपने तरीके से पढ़ते हैं, कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना। और सर ने जो एक बात बताई कि किताब वही अच्छी है, कोई भी किताब आप ले आएंगे जो आपको बहुत बेहतरीन भी लगेगी कि इसमें तो बड़ा अच्छा नोट्स लिखा हुआ है, जैसे मंथन का है वो क्या नाम है समर्थ, अच्छा लिख रहा है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, लेकिन वो हर बच्चे के लिए फायदेमंद है ये नहीं कहा जा सकता, और वो उसको फायदेमंद बनाने के लिए उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा खुद के लिए, और आज का कंपटीशन जब हम लोग देते थे तब से लेके बहुत चेंज हो गया। अभी सबसे जरूरी टाइम मैनेजमेंट, सबसे जरूरी, आप बेहद ही सिंपल लिखिए, बहुत साधारण लिखिए लेकिन विद इन टाइम लिखिए, अगर एक क्वेश्चन पे 5 मिनट है तो 8 मिनट बेकार हो सकते देना, 5 मिनट मीन्स 5 नंबर का क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन पे आप अगर एक पेज लिखना है मैं बहुत ज्यादा, 2 पेज लिखेंगे तो अभी 4 ही नंबर मिलेगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के साथ अन्याय हो जाएगा। उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, 200 नंबर हैं, 180 मिनट, 10 मिनट आपको कम से कम लगेगा, 10-15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने में और क्वेश्चन सिलेक्ट करने में, कौन सा क्वेश्चन करना, तो ऐसे आप डिवाइड कर लें, क्वेश्चन सारे करने रहते हैं, मतलब हायर जुडिशियल में तो करने रहते हैं, आप लोगों में तो शायद ऑप्शन रहता है जुडिशियल में, तो आप टाइम पहले डिवाइड कर लें, टाइम डिवाइड कर लें, 180 मिनट है, टोटल 3 घंटा रहता है ना, और 200 नंबर है, यानी 9 मिनट, 9 नंबर पे
दस नंबर पे 9 मिनट है, उसमें एक दो मिनट आपका क्वेश्चन पढ़ने में चला जाएगा, तो आप मान के चलिए 7 मिनट है आपके पास 10 नंबर के क्वेश्चन, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लिखना है। तो आप कितना आप लेंथी नोट्स पढ़ेंगे तो वो कितना फायदा करेगा आपको, 7 मिनट में तो आप वो चीजें लिख समझने के लिए वो बेहतर है, समझने के लिए बेहतर है, अच्छा लिखा हुआ समझ में आएगा, लेकिन 7 मिनट में उनको वो क्वेश्चन कंप्लीट करना है, अधूरा छोड़ देंगे आधा नंबर मिलेगा। और होता है सबसे बड़ा कारण यही होता है कि बहुत अच्छे नॉलेज वाले लोग, कम से कम मेरी असफलता का कारण तो हमने यही ढूंढा कि सब कुछ जानने के बाद कॉपी भी आप नहीं उतारेंगे तो कैसे पता कि आप क्या है, तो वहाँ आपकी कॉपी रहती है और टीचर रहता है, वो नहीं जानता आपका बैकग्राउंड कि आप बहुत स्टूडेंट स्कॉलर रहे हैं या बड़े सिंपल स्टूडेंट रहे हैं। वहाँ सिंपल स्टूडेंट भी अगर पूरा किए हुए तो उनको अच्छा मार्क्स मिल जाते हैं, जो टॉपर रहा उसने अगर पूरा नहीं लिखा तो उसको नहीं मिले नंबर, तो फिर लगता है उसको कि अरे यार हम टॉपर हैं और क्यों नहीं हुए, और वो साधारण लड़का हो गया। तो सबसे जरूरी मेरे हिसाब से कंपटीशन का है खुद पे बैठ के आप रिसर्च करें और विद इन टाइम लिखने की कोशिश करें, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और जैसे क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि हमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है, तो क्या हम उस क्वेश्चन को फर्जी तरीके से लिखें कुछ ऐड ऑन करके अपने दिमाग से, या जो पहला क्वेश्चन आ रहा है उसको बेहतर तरीके से लिखें टाइम देके, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर थोड़ा बहुत भी आ रहा है दूसरा क्वेश्चन बहुत पूरा नहीं आ रहा है तो उसको लिखने की कोशिश करनी चाहिए, शायद कुछ नंबर मिले, 4 नंबर का होगा 1 नंबर मिल जाएगा 1 नंबर बढ़ेगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो 8 नंबर का है उसमें आपको 7 नंबर या 8 नंबर नहीं मिलेगा, 8 में 8 कोई नहीं देगा, कोई टीचर में इसमें नहीं देगा 8 में 8। आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिला तो 5 नंबर मिलेगा वो 60 नंबर में, क्योंकि किसी भी आयोग से मेरे ख्याल से 57-58% पे तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आप टोटल अगर इंटरव्यू जोड़ के देखें तो कभी भी ये मतलब कोशिश नहीं करनी चाहिए, बहुत रिसर्च करें। अब जैसे बैंक डिक्लेरेशन पूछ रहे, बड़ा सिंपल टॉपिक है, सबको मालूम है, सबको उसमें 3 केसेस भी पता रहते हैं, काकला नारायण परजिंदर को, निशिकांत झा, उसके बाद लेटेस्ट केसेस भी है उसको, और पूछा है 5 नंबर में, अब भूल जाता है बच्चा वहाँ पे कि 5 ही नंबर पूछा है, उसको तो लगता है कि ये तो बहुत बेहतरीन तरीका क्वेश्चन है, इसको तो लिखूंगा, रिसर्च कर देता है, वो गलत करता है। वो 5 नंबर में आपको 3 ही नंबर मिलना है उस बैंक डिक्लेरेशन में, शायद डेफिनेशन भी पूरा ना लिखना है, 5 मिनट के लिए आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 मिनट है, 3 मिनट है, और 3 मिनट में आप शायद बैंक डिक्लेरेशन की परिभाषा भी पूरा ना लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए, ये नहीं कि जो आ गया है बड़ा इजी पूछा है, कॉन्टेंट परिभाषा पूछ दिया, प्रतिफल की परिभाषा पूछ दिया, और होता भी आजकल यही है, बेकार के क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो बेकार में इन द सेंस की जो जनरली हम बहुत इंपॉर्टेंट मान के नहीं चलते, वो पूछते हैं वो 10 नंबर में, और अरे यार अब ये कैसे करें, तो 10 नंबर में पूछा हुआ, सेक्शन 34 एविडेंस एक बड़ा सिंपल सेक्शन है, वो आदमी पढ़ा नहीं रहता है, वो पूछ दिया 15 नंबर में क्या लिखें, तो आप वो सेक्शन लिखिए पूरी तरीके से, थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ जाइए, नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है करके आगे बढ़ जाइए, दूसरा कीजिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आप ये मत देखिए कि क्या पढ़ा हुआ है मेरा और इसी पे हम अपनी विद्वता दिखा देंगे, बिल्कुल भी नहीं, रिसर्च नहीं करना है, वहाँ आपको सिर्फ नंबर और टाइम का रेशियो लेके चलना है, यही सिलेक्शन की पूंजी है आपकी, नहीं तो आते हुए भी सब कुछ जानते हुए भी आदमी बाहर इसी से हो जाता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, बाकी तो कोई भी किताब लाओ, मंथन की लाओ, विधि भारती की लाओ या टेक्स्ट बुक है, अपना नोट्स जरूर बनाओ, की नोट बनाओ, नोट्स बनाना बड़ा लेंदी काम है, बोरिंग काम है, मन नहीं करता, कई स्टूडेंट 3-3 किताबें खोल के बैठे रहते हैं कि अवतार सिंह को भी ले रखा है, कैलाश राय को भी ले रखा है, रिसर्च नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, सिंपल लिख लो, सिंपल किसी भी क्वेश्चन लिख लो, उसको अपने तरीके से लिखने का प्रयास करो, की नोट बनाइए, नोट्स नहीं बन, नोट्स अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपना नोट्स है उसका भी की नोट बनाओ, मोड़ लो पेज, दो दो पेज का उसको की नोट भी बनाओ, इसको डेवलप कर देना, अगर ये 2 नंबर में पूछे तो भी लिख लें, यही 10 नंबर में पूछे तो भी लिख लें, 3 केसेस चाहिए 2-3 केसेस ले लो, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ले लो, डेफिनेशन नहीं याद रहती है, डायरेक्ट रटने की कोशिश ना करें, नहीं रटता, और रट के अगर जाएंगे एक शब्द भूल गया तो वहाँ घबराहट होती है, तो सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स परिभाषा मत लिखिए किसी भी, मेरे हिसाब से एसेंशियल वो उसके जो अवयव हैं वो लिख दीजिए,
एक्सेस ले लीजिए सफिशियंट, और सब लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए तो बताने के लिए बस इतना ही, बाकी सब अपने तरीके से सब पढ़ते हैं, किसी को कॉपी मत करो, न टॉपर को न यूट्यूबर को, किसी को भी, सब अपने तरीके से पढ़ते हैं। अपनी किताब खोलिए, जब आप अपने साथ होइए तो खुद को पढ़िए, और खुद जानिए कि हम क्या बेहतर, अपनी सीमा जो जान जाता है, जो अपनी लिमिटेशन जान जाता है वो बहुत बेहतर करता है। हम अपनी सीमा जानते हैं कि हम भाई हम ऐसे खेल सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, जो अपनी सीमा जानता है वो उस सीमा में बहुत बेहतर प्रयास करता है। और एग्जाम कभी भी बहुत रिसर्च करके नहीं लिखना चाहिए, बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश नहीं करनी, आप सिंपल लिख के देखिए सेलेक्ट हो जाएंगे, सिंपल होना चाहिए, और लेकिन पूरा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे हम करते क्या है कि लॉ के तीनों पेपर में बहुत मेहनत करते हैं, जीएस बहुत अवॉइड करके चलते हैं, इंग्लिश बहुत अवॉइड करके चलते हैं, और अंत में पता चलता है कि जीएस और इंग्लिश की वजह से ही बाहर होते हैं। मेरे कितने मित्र नहीं सिलेक्ट होता है, जो लोग 117 123 124 नंबर लॉ में पाके 19 नंबर इंग्लिश में, 9 नंबर इंग्लिश में, 20 नंबर 30 नंबर जीएस में पाके बाहर हो गए। तो पूरा मेहनत कीजिए, जीएस कैसे पढ़ा जाए ये भी बहुत बड़ा प्रश्न होता है सबके लिए, कैसे पढ़ा जाए, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए तो चीज़ें नहीं मिलती इलाहाबाद में, हिंदी माध्यम के लिए तो बहुत सारी हैं, घटना सार है, घटना चक्र है, निकालते रहते हैं, लेकिन यह है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मिलता है और इसका कोई सेट कोई आंसर कोई किताब तो है नहीं इस तरह की, लेकिन हाँ एक लूसेंट बेसिक रखिए अपने पास, उसमें छोटे में सब कुछ दिया है, मेरे ख्याल से सबके पास होनी चाहिए, और सिर्फ रखना नहीं चाहिए, उसको पढ़ते रहना चाहिए, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें फैक्चुअल दिया हुआ है, एक एक लाइन में हर चीज़ दी हुई है, कहानी की तरह दी नहीं कि याद हो, लेकिन किसी भी किताब को अगर पढ़ने की आदत हो जाए ना तो फिर याद रहती है, फिर वो बंद भी रहे तो आपको याद रहे, तो उस तरीके से पढ़िए। ट्रेडिशन और कोई सेट पैटर्न तो है नहीं कि ट्रेडिशनल पूछता है कि करंट पूछता है, कभी करंट की मात्रा बढ़ा देता है। 2012 में हम लोगों ने प्री दिया था, आप विश्वास नहीं करेंगे लॉ पेपर, खैर आप देखेंगे पेपर विश्वास क्या नहीं करेंगे, उसमें आईपीसी वगैरह क्वेश्चन बहुत कम पूछा था, सीआरपीसी एविडेंस बहुत कम पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरनेशनल लॉ करंट बहुत ज़्यादा पूछा था उस बार बहुत, और सिर्फ 72 सीट्स थी, तो बहुत लोगों का प्री नहीं हुआ, जो लोग बाद में टॉप किए या बहुत 2006 का इंटरव्यू दिए थे प्री नहीं निकला। तो हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद जब मैं पिछला एचएचएस दे रहा था मेंस, मैं खुद घबरा गया था, पेपर बड़ा लेंदी आया था, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा नहीं, एचएचएस का पेपर शायद 68 क्वेश्चन प्रोसीजर में थे, 68 क्वेश्चन पार्ट पार्ट अगर जोड़ दें तो इतना लेंदी पेपर था तो पढ़ना मुश्किल था, और मैं खुद घबरा गया सब कुछ होने के बाद भी और नहीं हो पाया। उसके पहले जेएस का दोनों इंटरव्यू दिया था मैंने, 18 सेकंड और 3rd का दोनों इंटरव्यू दिया था, तो मुझे लगा था कि दो इंटरव्यू में लगातार एचएचएस का दे चुका हूँ, तीसरे पे अब होना चाहिए, बहुत मेहनत भी की थी मैंने, लेकिन पेपर एकदम से अलग आ गया, बहुत ही अलग आ गया, उस तरह का कभी पूछा नहीं, तो मैं घबरा गया, कंपटीशन गड़बड़ हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, कितना भी कठिन पेपर हो, कितना भी ऑकवर्ड हो, अलग पूछा हो, ये सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, सब पीछे होंगे। कंपटीशन में हमेशा रिलेटिव मार्क्स मायने रखते हैं, ये नहीं कि आप लोग एक बार 360 पाया है, अगले पिछली बार उसके 320 पाया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप 320 पाई हैं या 320 पाए हुए हैं और पीछे के लोग 300 से नीचे हैं तो आप ही का सिलेक्शन होगा, भले से आपका पहले वाले मार्क्स से कम है, आप खुद से 40 नंबर कम पाए हैं लेकिन तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीशन रिलेटिविटी देखता है कि हमारे साथ कौन बैठा है कंपटीशन में, कभी कभी हमारा बहुत गंदा पेपर हुआ रहता है लेकिन तभी सेलेक्ट हो जाते हैं, तभी उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ की कापियाँ और गंदी होती हैं तो उसमें हमारा बेहतर हो जाता है, टीचर्स को लगता है कि इसने फिर भी कुछ लिखा है। तो घबराना नहीं चाहिए काम में, कितना भी टेढ़ा पेपर है और सबके लिए आया है, उसमें भी आपको सेलेक्ट करना चाहिए सबसे पहले कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले कर लीजिए। अब तो प्रिंटेड आते हैं आप लोग का जे में, प्रिंटेड आता है ना पेपर, हाँ तो उसमें आप पहले देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको अच्छे से कर लिए, लेकिन ये नहीं कि आ रहा है तो उस पर बहुत टाइम देना है, टाइम उतना ही दीजिए जितना देना है जो कंपटीशन अलाउ करता है, बस कुछ नहीं, बस यही सब कमियां दूर कर लेंगे तो सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। हमने तो सीखते सीखते सीखा है, और कभी सीखना ही नहीं चाहिए सच में, बहुत चाय पी, बहुत दोस्तों के साथ टाइम गुजारा, इसीलिए दोस्त सेलेक्ट हो गया, हम नहीं हुआ, हम सोशल थे, कमरे पे किसी का आना अवॉइड नहीं करते थे, लोग घंटों बैठते थे, हम नहीं मना करते, पढ़ाई का टाइम चला जाता,
और पढ़ते थे फ्री घर जाके, वो तो टाइम पास करने आते थे। मेरा रूम संजोग से कटरा में था, कटरा सब घूमने आते हैं टाइम पास करने, ये मैं समझ नहीं पाया। समझता था लेकिन ये था कि मना करना थोड़ा मेन मुश्किल, किसी को ना करना थोड़ा मेन मुश्किल था, ये मेरा नेचर था, अपना मत बनाइए। तो और डिस्कशन जैसे कंबाइंड स्टडी तीन से ज्यादा मत कीजिए, पांच लोग बैठ के मत पढ़िए, नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे कितने भी पांचों विद्वान को नहीं पढ़ पाएंगे, दो से तीन लोग बहुत हैं ग्रुप स्टडी के लिए, क्योंकि अकेले पढ़ के बोरिंग है, तो ये लॉ इतना इंटरेस्टिंग है नहीं, डिस्कशन के लिए सही है। और डिस्कशन कभी भेजा मत कीजिए, कभी बेकार का डिस्कशन मत कीजिए कि इसमें तो यार इस केस में तो ये कहा गया है, बैरक में तो ये लिखा है, जो बैरक लिखा है वही सही है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कई बार अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग डिसीजन दे देती है, उन केसेस पे डिस्कशन नहीं करना चाहिए। हमेशा जो लीडिंग केस है उन्हीं पे ध्यान दीजिए, कुछ फालतू केसेज या लेटेस्ट केसेज हो जिसमें डिसीजन कुछ अलग हो तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए जो बैरक हम बता तो रहे हैं, बेहद सामान्य लिखेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको विश्वास भी नहीं होगा। बहुत विशेष बनने की कोशिश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बनने की नहीं मतलब लिखने की, वहां पे सिंपल केसेस, हाँ लीडिंग केस नहीं है, केस वाले भारतीय बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे तो बहुत बड़ा पार्ट है, ये नंबर बहुत कट जाएंगे। तो अब जो लीडिंग केस है वो तो रहने चाहिए, जितने प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं वो तो होने चाहिए, लेकिन हाँ बेकार के केसेस लेटेस्ट केसेस बहुत मायने नहीं रखते और उस पर टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, डिस्कशन में भी पार्ट को नहीं लेना चाहिए, हमेशा इनसे इसेंशियल इंग्रेडिएंट लिखते रहिए लिखते रहिए। मैं तो काली कथन के कितने अवयव हैं लिखिए, तुरंत लिखिए, स्वीकृति के कितने अवयव हैं या रेस जुडिकेटा कितने अवयव हैं सब लिखते रहिए कि क्या क्या, ये पांच चीजें रटते रहिए बस, यही इसेंशियल उसको डेवलप कर लेंगे आप, इतना कुछ जानते हैं उसको डेवलप कर लेंगे। और अपना की नोट बनाए, की नोट बनाए, नोट्स मत बनाए। अब जब जितने दिन बच गए हैं इसमें नोट्स बनाने की कोशिश आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, अब जितना समय आप लोग पास मेंस के लिए नोट्स बंद, सिर्फ की नोट बनाइए, लिखिए जरूर, क्योंकि पढ़ने की आदत होती है वैसे ही हाथों को लिखने की आदत होती है, लिखते रहेंगे तो आदत हो जाएगी हाथ को लिखने की, पेपर पढ़ते ही आपका हाथ चलने लगेगा, हाथ चलना चाहिए, एग्जाम में रुकना नहीं चाहिए, सोचने के लिए रुकेंगे वो बड़ा घातक है, इसलिए लिखते रहना चाहिए, खूब लिखिए और की नोट बनाइए। और विश ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। इंटरव्यू के लिए तो सर हैं, हम लोग हर इंटरव्यू के लिए सर के पास है, हर इंटरव्यू के लिए, और सर इतना बेहतरीन बताते हैं इंटरव्यू के लिए कि डर खत्म हो जाता है। और